नमस्कार, मैं राहुल कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का कोच गांव कन्वर्सेशन। आज हम पूर्णिया में हैं। पप्पू यादव जी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया है और उनके नामांकन में समर्थन देने के लिए पटना से संतोष रेणु यादव पहुंचे हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके यहाँ आने का कारण क्या है। संतोष जी नमस्कार। जी नमस्ते। आप पूर्णिया क्या कर रहे हैं? काहे पूर्णिया खाली आप है थोड़ी है? अरे हमारा नहीं, लेकिन आप तो राजद के ही पप्पू यादव जी में भी राजद के हैं। देखिए हम राजद के ओरिजिनल सिपाही हैं। लालू प्रसाद यादव जी के ओरिजिनल भक्त हैं, तेजस्वी जी तेज जी के कट्टर सिपाही हैं। बिल्कुल तैयार हैं आरजेडी के लिए। बीमा भारती में जाना चाहिए था? नहीं, बीमा भारती जी को उस समय नहीं सोचना चाहिए था जिस समय हमारे आदरणीय तेजस्वी जी की धर्म पत्नी को ईडी 12 घंटा प्रेगनेंसी की अवस्था में भी पूछताछ किया था, खड़ा किया था और मानवता को शर्मसार किया था। उस समय बीमा भारती जी काहे नहीं एकाध को ट्वीट की थी? उस समय ट्वीट तो पप्पू यादव किए थे, लेकिन टिकट तो मिल गया। देखिए वो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति की बात है, लेकिन हम लोग तो भाई चाहेंगे ना कि एनडीए यहाँ से हार करके भागे पूरे देश से। तो 39+ पूर्णिया, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, क्योंकि पप्पू यादव जी को ऐसा नहीं कि हमने मंच तो नहीं शेयर किया है, हम पॉलिटिकली यहाँ पे नहीं आए हैं। पप्पू यादव जी को इस पूरे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी दिल से बाहर कर सकता है। दिल से बाहर करेगा तो उसका दिल ही नहीं साथ देगा। आप बताइए, दिल से बाहर कर सकते हैं आप? जो व्यक्ति कोरोना के दौर में भाई भाई का लाश नहीं छू रहा है, बाप बेटा का लाश नहीं छू रहा, उस समय पप्पू यादव कंधा पे रख करके और पप्पू यादव उनकी लाश को दफना रहे हैं, शमशान घाट पहुंचा रहे हैं। आप बताइए कि जिस समय जब बाढ़ आया तो उस समय पानी में घुस घुस करके पप्पू यादव बच्चों को दवा दिए, दूध दिए, चूड़ा भोजन सब चीज दिए, उस समय पप्पू यादव ठीक है? तो वैसे ठीक आदमी को पार्लियामेंट में भेजना जरूरी ना है? ठीक है आदमी ने पार्टी हाईकमान ऐसा क्यों नहीं सोचता? कोई बात नहीं, वो हमने क्या बोला कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे भगवान हैं, लेकिन उनकी ही विचारधारा हमें ये कहती है, उन्होंने हमें सिखाया, लालू प्रसाद यादव जी ने हमें सिखाया कि जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे उसके तकलीफ में तुम्हें भी वहां खड़ा रहना चाहिए। संतोष रेणु यादव पप्पू यादव के लिए पूर्णिया में चुनाव प्रचार करेंगे? बिल्कुल, एनडीए को नहीं हारना चाहिए। एनडीए को हारना चाहिए कि नहीं हारना चाहिए? हम तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर जो साजिशन ईडी कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से, तेजस्वी जी के तरफ से सपोर्ट में खड़ा दिखाई दिए पप्पू यादव, हम उनके समर्थन में रहे कि जो बीमा भारती जी चुपचाप बैठी हुई थी उनके समर्थन में रहे? अब बताइए ना, बीमा भारती जी तो चुपचाप एनडीए के तरफ से एकदम मिजाज में एकदम थी कि चलो भाई तेजस्वी पे कार्रवाई हुआ, लालू जी पे कार्रवाई, पप्पू जी तो खड़ा हो गए थे। तो जो व्यक्ति सिद्धांत की राजनीति करेंगे, संतोष रेणु यादव उसके साथ रहेगा। आज आप नामांकन में थे, क्या लगा नामांकन में देखकर? बढ़िया लगा हमको। पूर्णिया की धरती ऐसे भी एनर्जेटिक है, हम तो यहाँ आते ही पहले 1.5 किलो दूध पिए, हमको आते ही पहले दूध नसीब हुआ, यहाँ पे बड़ा मजा आया और इतना एनर्जी में है कि हम घूम रहे हैं, बैठ भी नहीं रहे हैं, हम घूम रहे हैं और हर जगह से ये आवाज सुनने को मिल रहा है कि जो जनता के बीच रहेगा वही जनता की अदालत से हो करके और जनता के सदन में जाएगा। कैसा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है? हमको बहुत अच्छा। ये सब तो ट्रेलर है, बाकी फिल्म देखना हो तो पूरे देश में पप्पू जी का फिल्म देखिएगा। पूरे पूरे देश में, पूरे देश में पप्पू यादव जी का फिल्म देखिएगा, पूरा देश। मैंने आज बताइए ना, आज मोदी जी जिस प्रकार से देश को बर्बाद कर दिए, अर्थव्यवस्था गिर गई और 56 इंच वाले कहने वाले अपने आप को 5.6 इंच के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी 5.6 इंच के हो गए। हम बताते हैं ना आपको, मोदी जी होते हैं 5.6 इंच। कैसे होते हैं कि बोलते थे कि हमारे अब देश के कोई आंख नहीं दिखाएगा,
आंख तो इतना दिखाया कि चाइना 30 किलोमीटर तक घुस गया आपके यहाँ, है ना। और हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले हम विकासशील देशों की सूची में थे, अब हम लोग घाना, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों की सूची में आ गए। महंगाई चरम सीमा पे चली गई, गैस महंगा। कहते हैं मोदी जी कि 5 किलो अनाज देंगे, 5 किलो अनाज का दाम कितना होता है, 20-25 सौ रुपया। तो 300 रुपया में गैस मिलता था, तो उकरा में 100 रुपया हम जोड़ दिए तो कितना हुआ, 400। 400 में गैस मिलता है, आज मिलता तो है 1200 में, तो बाकी 800 रुपया कौन घोटाला किया हमको, 2-800 रुपया है कि नहीं है। मोदी जी बोले थे कि हर एक अकाउंट में 15 लाख रुपया देंगे, कहाँ गया पैसा हमारा, कहाँ गया। पुलवामा हमले में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए, उनकी शहादत के बदले मोदी जी ने पाकिस्तान से चंदा लिया है 500 करोड़ रुपया। और देश के जवानों की शहादत का जो सौदा करेगा, उसे देश की सत्ता पे बैठे रहने का कोई हक नहीं है। देश की जवान की पत्नी को मणिपुर में नंगा परेड कराया मोदी जी ने, अपने तो चाय बेच करके बोले कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और वहां से भाषण देते हैं कि अब युवा लोग चाय बेचो पकौड़ा तलो। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, ये जियो का प्रचार मंत्री हो सकता है। ये लोग तो अब तो पूरा नकाबे उतार दिए ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड है, अब जवाब दें ना। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स से जो विपक्षी नेताओं को जेल भेज रहे थे, अब ना बता दे, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला हुआ, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था, इस पे मोदी जी काहे चुप हैं, क्यों गुप चुप हो, कुछ तो बोल हैं। आज जमुई में आए, जमुई में दो दिन बाद नवादा भी आएंगे, हम आपको बता रहे हैं। उसागरों भटकेंगे, भटकती आत्मा हो गए है ना, उसागरों भटकते ही रहेंगे। ये चलते कि जो हमारे देश के नौजवानों को भटकने पे मजबूर करेगा, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश के 142 करोड़ की आबादी, उनको भटका देंगे। और पप्पू यादव के नॉमिनेशन में जो जनसमर्थन आया था, क्या लगता है ये वोट में कन्वर्ट होगा? काहे नहीं, तो लोगों में ना वोट देते हैं, जानवर थोड़े मारता है। अरे वोट तो आदमी ना मारते हैं, वोट आखिर जो लोग आते हैं वही ना वोट मारेंगे, कौन वोट मारेंगे। हम इतना ना कह सकते हैं कि मोदी जी ने जीन आता है ईवीएम में से, हम तो यही जानते हैं कि जो पब्लिक है वही लोकतंत्र में मालिक है, है ना। अभी अलग बात है कि मोदी जी लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पे लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पे चलते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को अपनी जान पर खेल कर बचा लेंगे हम।